गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का जो हमारा लेक्चर है वो प्लस टू क्लास से जो फर्स्ट चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन द ऑर्गेनिजम्स उससे है। तो प्यारे बच्चों, क्या होता है कि मान लीजिए आपने सुना भी होगा कि भाई ये पर्सन या कोई भी आदमी इतने साल जिया, कोई आदमी 80 साल जिया, कोई आदमी 60 साल जिया, कोई पर्सन 50 ईयर्स जिया, या आप मान सकते हो कि उसका जो लाइफ स्पेन था वो इतने साल था, मान लीजिए 80 50 वट एवर कुछ भी हो सकता है। तो अब यहाँ पे प्यार बच्चों मैंने एक वर्ड यूज किया, क्या? लाइफ स्पेन। लाइफ स्पेन क्या होता है प्यार बच्चों? द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू द नेचुरल डेथ इज नोन एज द टाइम पीरियड। मतलब उसके बर्थ से लेकर और जब तक वो मरा है उसके बीच में जितना भी पीरियड था, जितना भी टाइम था, उस चीज़ को प्यारे बच्चों हम क्या बोलेंगे? लाइफ स्पेन। देखिए हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, लाइफ स्पेन द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ इज नोन एज लाइफ स्पेन। ओके बच्चों, द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू द नेचुरल डेथ इज नोन एज द लाइफ स्पेन। अब क्या होता है भाई, जैसे कोई पर्सन है, कोई 80 ईयर्स जी रहा है, कोई 50 ईयर्स, तो कहने का मतलब ये है कि लाइफ स्पेन किसी की भी एग्जैक्ट नहीं हो सकती, या लाइफ स्पेन किसी की भी सिमिलर नहीं हो सकती। ऐसा हो सकता है कि भाई कोई पर्सन पहले किसी पर्सन की पहले डेथ हो गई हो, किसी की बाद में हुई हो। लेकिन जैसे फॉर एग्जांपल हम लेते हैं, कोई छोटा बेबी है एक और एक पूरा मैच्योर पर्सन है। हो सकता है कि छोटा बेबी पहले ही डेथ हो जाए और मैच्योर पर्सन की बाद में डेथ हो। हो सकता है मैच्योर डेथ, जो मैच्योर पर्सन है उसकी डेथ पहले हो जाए और बेबी की डेथ बाद में हो। तो इस चीज़ से हमने क्या सीखा कि द लाइफ स्पेन ऑफ द ऑर्गेनिजम्स डज नॉट कोरिलेट विद देयर साइज। समझे? मतलब लाइफ स्पेन किसी भी ऑर्गेनिजम्स का उसके साइज के साथ कोरिलेट नहीं करता। आपके एनसीईआरटी के अंदर एग्जाम्पल दिया है, फॉर एग्जाम्पल पैरट एंड द क्रो। देखिए बच्चों, इन दोनों का जो साइज है वो लगभग सेम है, लेकिन जो क्रो का लाइफ स्पेन वो है प्यार बच्चों 15 ईयर्स, लेकिन जो पैरेट है उसका जो लाइफ स्पेन है वो है अराउंड 140 ईयर्स। तो यहाँ पे लाइफ स्पेन साइज के साथ कोरिलेट नहीं कर रहा ना। देखिए साइज तो लगभग दोनों का सेम है, लेकिन एक 15 साल जी रहा है और एक 140 साल जी रहा है। तो हमें ये बात प्रूव हो गई कि लाइफ स्पेन डज नॉट कोरिलेट विद देयर साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म। बहुत नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्या लिखूंगा प्यारे बच्चों? लाइफ स्पेन डज नॉट कोरिलेट विथ द साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जाम्पल क्रो एंड पैरट। ओके, अब क्या होगा प्यारे बच्चों, जैसे क्रो है, क्रो की लाइफ स्पेन मैंने आपको कितनी बताई? 15 ईयर, और पैरट की 140 ईयर। यहां तक हो गया क्लियर? एक आपका और दिया गया है, मैंगो ट्री एंड द पीपल ट्री। मैंगो ट्री एंड द पीपल ट्री, देखिए इन दोनों का भी साइज ऑलमोस्ट
सेम है, लेकिन प्यारे बच्चों जो मैंगो कटरी है उसकी लाइफ स्पेन कम है एज कंपेयर टू द पीपल ट्री। पीपल का जो पेड़ होता है उसकी लाइफ स्पेन ऑलमोस्ट 2500 2500 होती है, लेकिन जो आपका मैंगो ट्री है उसकी लाइफ स्पेन 300 ईयर्स होती है। पीपल के पेड़ की उम्र 2500 साल और मैंगो के ट्री की उम्र 300 साल होती है। तो ये दोनों एग्जाम्पल आपकी एनसीईआरटी के अंदर दिए गए हैं। इन दोनों से आपको ये बात क्लियर हो गई होगी प्यारे बच्चों, लाइफ स्पेन डज नॉट कोरिलेट विद द साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म। अब क्या होता है कि देखिए, लाइफ स्पेन वेरी कर सकता है भाई, कोई कम साल जी रहा है, कोई ज्यादा साल जी रहा है, लेकिन दोनों के अंदर एक बात कॉमन है, क्या? कि दे विल डाई। किसी ना किसी टाइम हर एक ऑर्गेनिजम्स की डेथ होगी, ठीक है, डेथ होगी। लेकिन कुछ ऐसे सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स हैं प्यारे बच्चों, वो इमोर्टल है, मतलब उनकी डेथ कभी भी नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि उनके अंदर जो प्रोसेस होती है प्यारे बच्चों, वो होती है माइटोसिस। क्या होती है? माइटोसिस। क्या होता है? जैसे आप भी एक ऑर्गेनिजम्स हैं, मैं भी एक ऑर्गेनिजम्स हूँ, तो आपको और मेरा लाइफ स्पेन वेरी कर सकता है, लेकिन जो डेथ है वो भी मेरी निश्चित है और आपके भी निश्चित है। लेकिन कुछ सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनकी लाइफ क्या होती है प्यारे बच्चों? इमोर्टल होती है, क्योंकि वो कौन सी प्रोसेस से जीते हैं? माइटोसिस। माइटोसिस और मियोसिस दो टाइप के प्रोसेस होते हैं। माइटोसिस होता है इक्वेशनल डिवीजन और मियोसिस होता है प्यारे बच्चों रिडक्शनल डिवीजन। तो जो सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स है वो कौन सी प्रोसेस से जी रहे हैं? माइटोसिस। माइटोसिस क्या होता है? इट इज द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन। क्या बोला? ध्यान से सुनिए। इट इज द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन दैट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ टू आइडेंटिकल डॉटर सेल फ्रॉम ए सिंगल पेरेंट बॉडी। फिर बात सुनिए कि ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर सेल डिवाइड होता है। सेल डिवाइड होने की वजह से क्या होता है प्यारे बच्चों? टू आइडेंटिकल डॉटर सेल की फॉर्मेशन होती है। किससे होगी? फ्रॉम ए सिंगल पेरेंट बॉडी। आगे आपको समझ में, इसको हम लिख लेते हैं, सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स यूज माइटोसिस प्रोसेस। ओके, अब हम यहां पे लिखेंगे माइटोसिस। इट इज द प्रोसेस ऑफ सेल, इट इज द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन दैट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ टू आइडेंटिकल डॉटर सेल फ्रॉम ए सिंगल पेरेंट बॉडी। देखिए बच्चों, यहाँ पे मैंने लिखा इट इज द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन दैट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ टू आइडेंटिकल डॉटर सेल फ्रॉम ए पेरेंट बॉडी। यही एक रीजन है कि सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स आर इमोर्टल, मतलब अजय, दे विल नेवर डाई। ओके, अब क्या होगा कि अगर हम जिंदा रहते हैं
तो प्यारे बच्चों रिप्रोडक्शन करते हैं, लेकिन रिप्रोडक्शन इज नॉट ए नेसेसरी पार्ट ऑफ आवर लाइफ। ऐसा माना जाता है कि अगर हम रिप्रोडक्शन नहीं भी करेंगे तब भी हम सर्वाइव कर पाते हैं। अब रिप्रोडक्शन के बिना हम जिंदा रह भी सकते हैं, नहीं भी रह सकते, लेकिन फिर भी एवरी ऑर्गेनिजम्स डू रिप्रोडक्शन, या आप मान सकते हो कि हर एक ऑर्गेनिजम्स रिप्रोडक्शन करता है। क्यों करता है प्यारे बच्चों? जरा आप इस बात को सोचिए कि हर एक ऑर्गेनिजम्स को रिप्रोडक्शन करने की क्या जरूरत होती है। अगर मान लीजिए वो रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे तब भी दे कैन सर्वाइव इजिली विदाउट एनी प्रॉब्लम, तो क्या होता है कि रिप्रोडक्शन इसलिए जरूरी है प्यारे बच्चों क्योंकि कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीसीज। मान लीजिए मैं हूँ, तो अगर मान लीजिए मैं हूँ और मैं रिप्रोडक्शन नहीं करूँगा तो जो मेरी प्रोजेनी है, या जो मेरे आप बोलते हैं ना कि जो पीढ़ी है, जो मेरी पीढ़ी है वो आगे नहीं बढ़ेगी। आगे नहीं बढ़ेगी तो एक टाइम ऐसा आएगा जो मेरा वंश है वो खत्म हो जाएगा। मींस जो फॉर एग्जाम्पल आप दूसरा मान सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये पूरी अर्थ है और इस अर्थ में कोई भी ऑर्गेनिजम्स रिप्रोडक्शन नहीं कर रहा। रिप्रोडक्शन नहीं कर रहा तो इसका मीनिंग ये हुआ कि वो, या इस अर्थ के ऊपर कोई भी नया ऑर्गेनिजम्स नहीं आ रहा। तो प्यारे बच्चों एक टाइम ऐसा आएगा कि इस अर्थ पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे डाई हो जाएंगे। डाई होने की वजह से ये अर्थ क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों? खत्म हो जाएगी। इसलिए क्या होता है, एवरी ऑर्गेनिज्म डू द रिप्रोडक्शन प्रोसेस, मतलब स्पीसीज को कंटिन्यू रखने के लिए, इस अर्थ के बैलेंस को मेंटेन रखने के लिए हर एक ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन करता है। ओके, नो व्हाट इज रिप्रोडक्शन? आप 10th क्लास में पढ़ के आए हुए, होप सो आपको ये डेफिनेशन क्लियर होगी। रिप्रोडक्शन इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच न्यू इंडिविजुअल्स आर फॉर्म फ्रॉम द पेरेंट्स बॉडी, मतलब पेरेंट्स बॉडी से न्यू इंडिविजुअल की फॉर्मेशन क्या कहलाती है प्यारे बच्चों? रिप्रोडक्शन कहलाती है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे रिप्रोडक्शन। इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, इट इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस इट इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच न्यू इंडिविजुअल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम पेरेंट्स बॉडी। फॉर्म कर लो, प्रोड्यूस कर लो, बात एक ही है। इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच न्यू इंडिविजुअल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द पेरेंट्स बॉडी। अब वाई रिप्रोडक्शन इज नेसेसरी? रिप्रोडक्शन इज नेसेसरी फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीसीज। इसको मैं लिख लेता हूँ, हाईलाइट कर देता हूँ, वाई रिप्रोडक्शन नेसेसरी। तो प्यार बच्चों इसका आंसर आपको पता है, फॉर कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज। ठीक है, ये थी बात, हमें वाई द रिप्रोडक्शन इज नेसेसरी। अब आपको पता है कि जो टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन है वो कितने टाइप के होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द रिप्रोडक्शन इन विच टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज नोन एज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, द रिप्रोडक्शन इन विच ए सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व। जो इस साइड जितने भी एग्जाम्पल है प्यारे बच्चों, ये सारे एसेक्सुअल के एग्जाम्पल है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एग्जाम्पल ह्यूमन बींग हो गए, डॉग हो गया, जितने भी एनिमल्स हैं मोस्टली वो किसके एग्जाम्पल है प्यारे बच्चों, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। तो इसमें हम लिख लेते हैं टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। फर्स्ट वन इज एसेक्सुअल एंड सेकेंड वन इज सेक्सुअल। तो सबसे पहले हम एसेक्सुअल की डेफिनेशन लिख लेते हैं। व्हेन द ऑफस्प्रिंग इज प्रोड्यूस बाई ए सिंगल पेरेंट बॉडी विद और विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट्स। ठीक है, ये क्या हो गई एसेक्सुअल। अब बात करते हैं बच्चों हम सेक्सुअल के। व्हेन द ऑफस्प्रिंग इज प्रोड्यूस बाय टू पेरेंट्स विद इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट। देखिए बच्चों, यहां पे मैंने डेफिनेशन लिखी है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सबसे पहले मैं इस डेफिनेशन को पढ़ता हूं। व्हेन द ऑफस्प्रिंग इज प्रोड्यूस्ड बाय ए सिंगल पेरेंट बॉडी, तो एक ही पेरेंट बॉडी से कोई भी एक ऑफस्प्रिंग, जायगोट, बेबी, वट एवर यू वांट टू से, तो कोई भी एक जायगोट की फॉर्मेशन होगी सिंगल पेरेंट बॉडी से विद और विदाउट, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द गैमेट्स। गैमेट्स की इन्वॉल्वमेंट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। लेकिन प्यारे बच्चों, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसके अंदर दो पेरेंट्स हैं और इनके अंदर गैमेट्स की इन्वॉल्वमेंट होती है। ये था हमारे इस चैप्टर का थोड़ा सा बेसिक। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर हम पढ़ेंगे व्हाट आर द गैमेट्स एंड द टाइप्स ऑफ द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एंड थैंक्स अ लॉट, हैव ए नाइस डे।